children. Standard 4th. Subject Hindi. Revision. Take your Hindi notebook and open it. रिविजन क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखो. आपको रिविजन के क्वेश्चन लिखने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नों के उत्तर लिखो. फर्स्ट, चूहा दर्जी के पास क्यों गया? आंसर, चूहा दर्जी के पास टोपी सिलवाने के लिए गया. नंबर 2, हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? आंसर, हाथी केले खाकर बताता नहीं है. नंबर 3, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? आंसर, बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा. नंबर 4, चूहे को रास्ते में क्या मिला? आंसर, चूहे को रास्ते में एक कपड़े का टुकड़ा मिला. नंबर 5, दर्जी ने चूहे की टोपी क्यों सी दी? आंसर, दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी क्योंकि वो सैनिक को बुलाने की धमकी देता है. नंबर 6, दर्जी ने चूहे से क्या कहा? आंसर, दर्जी ने चूहे से कहा, चल रास्ता नाप वरना कैंची उठाकर मारूंगा. नंबर 7, चूहे ने किसे बुलाने की धमकी दी? आंसर, चूहे ने सिपाही को बुलाने की धमकी दी. नंबर 8, हाथी कहाँ रहता है? आंसर, हाथी जंगल में रहता है. नंबर 9, हाथी कैसे चलता है? आंसर, हाथी धम धम चलता है. नंबर 10, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? आंसर, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था. नंबर 11, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? आंसर, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया. नंबर 12, बच्चा अपनी माँ को क्या लगाने के लिए कहता है? आंसर, बच्चा अपनी माँ को झूला लगाने के लिए कहता है. नंबर 13, नहाने के लिए हाथी अपनी सूंड में क्या भरता है? आंसर, नहाने के लिए हाथी अपनी सूंड में पानी भरता है. नंबर 14, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? आंसर, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया. नंबर 15, लड़का किसको छूने की बात करता है? आंसर, लड़का आसमान को छूने की बात करता है. इसके बाद हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह भरिए. नंबर 1, चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास जा रहा था. आपको क्वेश्चन में खाली जगह दी होगी कि चूहा कपड़ा लेकर डैश के पास जा रहा था. आपको आंसर लिखना है दर्जी. चूहा कपड़ा लेकर
दर्जी के पास जा रहा था। नंबर टू, बुढ़िया का घर जंगल में था। नंबर थ्री, कसीदा काढ़ता है। नंबर फोर, चारों ओर पानी बरस रहा था। नंबर फाइव, छत टपकने की वजह से बुढ़िया परेशान हो उठी। नंबर सिक्स, टोपी पर काढ़ा हुआ कसीदा देखकर चूहा खुश हुआ। नंबर सेवन, थोड़ी देर में बैर बराबर ओले पड़ने लगे। नंबर एट, हाथी धम धम चलता है। नंबर नाइन, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। नंबर टेन, हाथी पानी में जाकर नहाता है। नंबर इलेवन, कसीदेकार चूहे की कचेरी में जाने की बात सुनकर घबराया। नंबर टेन, ट्वेल्व, पानी टपकने की आवाज़ टप टप होती है। नंबर थर्टीन, ओलों की मार से बाघ परेशान हो गया। नंबर फोर्टीन, चूहा कचहरी में जाने की बात करता है। नंबर फिफ्टीन, झूले के साथ पेड़ की डालियां और पत्ते झूल रहे हैं। होमवर्क, कॉपी वन टाइम इन योर नोटबुक। आपको क्वेश्चन आंसर एंड खाली जगह नोटबुक में वन टाइम कॉपी करनी है। थैंक यू, बाय।